Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज़ वीडियो. शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक के साथ जो कि हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट मोहनजोदारो. यस, मोहनजोदारो ए हरप्पन वैली सिविलाइजेशन साइट, हरप्पन साइट जिसे हम कहते हैं, एंड ये न्यूज़ में है. अब न्यूज़ में क्यों है? द रीज़न बीइंग पाकिस्तान में न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो रही है और उस हैवी रेनफॉल की वजह से पाकिस्तान के बड़े बड़े इलाकों में, स्पेशली जो सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहाँ पे फ्लड्स आ चुके हैं. एंड बिकॉज ऑफ दीज फ्लड्स इन द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल साइट है मोहनजोदारो, विच बिलोंग्स टू इंदस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो साइट है, इस साइट के ऊपर एक काफ़ी हैवी टोल इन फ्लड्स की वजह से आया है. एंड देयरफॉर विल बी डिस्कसिंग मोहनजोदारो इन दिस वीडियो. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मोहनजोदारो, मोहनजोदारो जो हड़प्पन साइट है, इट इज़ ऑलरेडी सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ इंदस रिवर. एंड क्योंकि यहाँ पे इस तरह के फ्लड्स आ चुके हैं, उन फ्लड्स की वजह से ये आर्कियोलॉजिकल साइट ऑलमोस्ट एट द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन पहुँच चुकी है, एक्सटिंक्शन के बेहद करीब पहुँच चुकी है. पाकिस्तान का जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है, उन्होंने कहा है दैट ऐसा भी हो सकता है दैट मोहनजोदारो माइट बी रिमूव्ड फ्रॉम द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट. नाउ एक तो ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये बात सामने आ रही है कि मोहनजोदारो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है उससे रिमूव की जा सकती है अगर अर्जेंटली हमने, पाकिस्तान ने ऐसे मेजर्स ना लिए जिससे कि हम मोहनजोदारो को कंजर्व कर सकें, रिस्टोर कर सकें. तो पहली चीज़ तो माइंड में ये आती है कि अक्सर हम जब करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं क्योंकि इस साइट को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड कर दिया गया. लेकिन क्या कोई साइट जो कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्या उसे रिमूव किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो क्या आज तक ऐसी कोई साइट्स हैं? वो कौन कौन सी साइट्स हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से रिमूव किया गया है, दैट वी शुड नो अबाउट? तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि यस, मोहनजोदारो इज़ एट द ब्रिंक ऑफ एक्सटेंशन, और अगर इसे कंजर्व नहीं किया गया, रिस्टोर नहीं किया गया, तो हो सकता है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी ना रहे. एज ऑफ नाउ किसी भी तरह की टूरिस्ट की इस प्लेस में जो एडमिशन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बैन कर दी गई है. एंड व्हाट रिपोर्ट्स आर कमिंग इज दैट कि मोहनजोदारो की बहुत सारी जो स्ट्रीट्स हैं, जो सीवरेज ड्रेन्स हैं, दे आर बैडली डैमेज बिकॉज ऑफ द फ्लड्स. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट हड़प्पन साइट, तो हड़प्पन साइट में स्ट्रीट्स का नेटवर्क, उनका सीवेज ड्रेनेज का सिस्टम, दीज आर सम ऑफ द पेक्युलर थिंग्स अबाउट द यू नो हड़प्पन साइट्स. एंड पाकिस्तान में जो फ्लड्स आए हैं, इनकी वजह से वो जो हिस्टोरिकल रियून्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं. हाउएवर नाउ द सेडिमेंट्स आर डिपॉजिटिंग, क्योंकि जो रिमूविंग द सेडिमेंट्स जो डिपॉजिटेड है वो चल रहा है, द फ्लड इज स्टिल अंडर द वे. सो देयरफॉर द मोहनजोदारो, द हड़प्पन साइट इज इन न्यूज. अब दो चीज़ें यहाँ से पहलू इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. एक तो ये जो हमने पहले बात की कि क्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट से कोई पर्टिकुलर साइट रिमूव की जा सकती है या नहीं, और दूसरा हमारा बेसिक. ना मोहनजोदारो के बारे में आप काफ़ी डिटेल में अपनी हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ते हैं. अनुराग सर आपको काफ़ी डिटेल में एंशियंट हिस्ट्री की क्लास में हड़प्पन सिविलाइजेशन और इन सभी साइट्स के बारे में बताते हैं. आज हम इस वीडियो में सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे, एक ग्लैम्प्स लेंगे ऑफ मोहनजोदारो. इट इज़ अ 5000 ईयर ओल्ड आर्कियोलॉजिकल साइट. इंदस वैली सिविलाइजेशन का ये रेमिनेंट है. एंड जब हम मोहनजोदारो वर्ड को समझते हैं तो इट बेसिकली मीन्स द माउंड ऑफ डेड. एंड इट वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड.
एंड इस सिटी के जो रूइंस थे वो काफ़ी टाइम तक अनडॉक्यूमेंटेड रहते हैं टिल द टाइम इन 1920 यू नो इट वाज यू नो विजिटेड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट आर डी बैनर्जी जब इस साइट पे विजिट करते हैं ओनली देन ये पूरा एक्सप्लोर होता है कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो प्रेजेंट है उसकी एक्सकवेशन होती है द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड माउंड ऑफ डेड. याद रखिएगा कि ये इंदस वैली जो साइट है ये इंदस रिवर के राइट बैंक पे सिचुएटेड है. सो एज यू कैन सी इन दिस मैप एज वेल दिस वन इज द इंदस रिवर. यहाँ पे और बहुत सारी साइट्स हैं आप इनके बारे में अपनी हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ते हैं. हियर यू कैन सी दिस इज़ हरप्पा कालीबंगा धौलावीरा लोथल यू नो इन हरियाणा वी हैव राखीगढ़ी. मोहनजोदड़ो इज़ अ हरप्पन साइट विच इज़ प्रेजेंट इन पाकिस्तान पाकिस्तान सिंध प्रोविंस एंड ये इंदस रिवर के राइट बैंक पे सिचुएटेड है. यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं हमारे पास. देर आर सो मैनी इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स ओवर हियर. जैसे कि द फर्स्ट वन द यू नो वेरी वेल नोन स्ट्रक्चर ऑफ मोहनजोदड़ो इज़ द ग्रेट बाथ. दिस इज ग्रेट बाथ. ये कुछ एज यू कैन सी इट्स वेरी ह्यूज कुछ 612 मीटर्स लॉन्ग. ये एक ब्रिक वर्क मास्टरपीस है. दिस अ ग्रेट कंस्ट्रक्शन ऑफ यू नो मोहनजोदड़ो पीरियड. इसी टाइम पे मोहनजोदड़ो के अंदर हमें ग्रेनरी भी मिलती है. देयर इज ह्यूज ग्रेनरी इन मोहनजोदड़ो एज वेल एंड इस ग्रेनरी में 27 चैम्बर्स हैं डिफरेंट शेप्स के साइजेस के. एक और अगर हम बिल्डिंग्स की बात करें तो एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है विच इज़ द असेंबली हॉल ऑफ मोहनजोदड़ो. असेंबली हॉल ये एक स्क्वायर पिलर्ड हॉल है एंड यू नो स्कॉलर्स दे एग्री कि ये पिलर्ड हॉल एक तरह का सोशल मीटिंग प्लेस के जैसे था. तो सो मैनी बिल्डिंग्स ओवर हियर. बिल्डिंग्स के साथ साथ बहुत ही नोटेबल आर्टिफैक्ट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. जब आर्टिफैक्ट्स की बात करते हैं तो आइवरी यू नो लेपिस कार्नियल गोल्ड बीड्स ये सब यहाँ से मिलते हैं. अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे जो बिल्डिंग्स थी उन बिल्डिंग्स में बेक्ड ब्रिक्स को यूज़ किया जाता था. दे यूज़ टू यूज़ बेक्ड ब्रिक्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो इट काइंड ऑफ शोज़ कि इस टाइम पे भी एंशियंट टाइम की जब हम बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो वॉज यू नो इट इज़ द रिमार्केबल रिचनेस एंड प्रोमिनेंस दैट दे वर यूजिंग यू नो बेक्ड ब्रिक्स इन द सिटी बिल्डिंग्स. दे वर हैविंग अबंडेंस ऑफ गोल्ड बीड्स देयर आइवरी लेपिस. सो ऑल ऑफ दीज आर शोज द रिचनेस एंड द प्रोमिनेंस ऑफ इट. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर फ्रॉम द इंदस वैली सिविलाइजेशन इज द स्कल्पचर विच इज द स्कल्पचर ऑफ मदर गॉडेस. There's also a you know statite sculpture of a tiny man which basically is a priest king. So this is priest king. Unka bhi statite sculpture wahan pe banaya gaya hai. Basically the destroyed Bronze Age city. Isi ke saath saath the famous dancing girl is also present over here. The bronze sculpture of dancing girl and ye pura lost wax casting ki technique use karke dancing girl banaya jata hai. Along with that पशुपति सील यू नो विच इज़ द टर्म सो कॉल्ड इज़ यूज इट इज़ अ स्टेटाइट यू नो स्टेटाइट सील. ये भी यहाँ पे प्रेजेंट है. इसके ऊपर तो क्वेश्चन भी आया हुआ है डायरेक्टली आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में. अगेन आई एम सेइंग हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं बिकॉज दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू बी डूइंग इन योर हिस्ट्री क्लासेस. वी आर जस्ट टेकिंग द ओवरव्यू कि यहाँ से क्या क्या मिला है. देर इज़ ऑल्सो देर सो मेनी थिंग्स. यहाँ पे हमारे पास एक इमेज भी आती है एज द इमेज ऑफ योगी. While the others they have three headed you know proto shiva who used to rule the animals that is also present over here. Now when we talk about the decline of Indus Valley civilization and per se we talk about the decline of Mohenjo-daro, so there are evidences which says that Mohenjo-daro saw many severe floods and these floods were of unusual depths and duration and it was you know owing not only to approach the Indus, it was a whole region that was flooded because of that. There is one more thing which says that ki is area mein na jahan pe Mohenjo-daro hai and you can see ki Mohenjo-daro is very close to Arabian Sea, there is a structural uplift between Mohenjo-daro and the sea.
जिसकी वजह से इंदस रिवर उस टाइम पे इसी एरिया में ड्रेन होना शुरू हो गई थी, बिकॉज वो अरेबियन सी तक जा नहीं पा रही थी, तो वो रस्ते में ही ड्रेन हो रही थी और एक पॉन्ड के जैसे वहाँ पे फॉर्मेशन हो रही थी. अल्टीमेटली इट स्टार्टेड ड्रेनिंग इनटू अरेबियन सी, बट देयर वाज अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल अपलिफ्टमेंट बिटवीन मोहनजोदारो एंड द सी. तो फ्लड्स आर द बेसिक कॉज, यू नो, एविडेंसेस बेसिकली इम्प्लाइज दैट देयर वर द फ्लड्स जिनकी वजह से मोहनजोदारो का डिक्लाइन होता है. नाउ after this, coming down to the main question, can the sites be removed from the World Heritage List? Well, the answer is yes. Yes, sites can be removed from the list. इससे पहले तीन sites remove की भी जा चुकी हैं. If we take the example, there is this Arabian Oryx Sanctuary in Oman. इसे remove कर दिया गया था 2007 में, because उस time पे concerns उठ चुके थे कि जो sanctuary है यहाँ पे over poaching हो रही है, habitat degradation हो रहा है, जिसके चलते इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिमूव किया गया. देन वन ऑफ द मेजर ट्रेडिंग सेंटर फॉर सेंचुरीज, 18th century, 19th century, लिवरपूल्स मैरीटाइम मर्सेंटाइल सिटी ऑफ यूके. इट वॉज फेमस फॉर इट्स पायनियर डॉक टेक्नोलॉजी, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे यूज़ किया जाता था, जो पोर्ट मैनेजमेंट यहाँ पे की जाती थी, बट इट वॉज ऑल्सो रिमूव फ्रॉम इट. सिमिलरली फ्रॉम जर्मनी वी हैव एल्बे वैली इन ड्रेस्डेन जर्मनी. यहाँ पे भी यू नो एल्बे रिवर के पास एक कंस्ट्रक्शन की जाती है, रोड ब्रिज बनाया जाता है, जिसके बाद इस एल्बे वैली को भी यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है. सो यस, द साइट्स कैन बी रिमूव्ड, पहले भी रिमूव हो चुकी हैं. इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चंस तो हम एंशियंट हिस्ट्री से एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इंदस वैली सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, मोहनजोदारो इंपॉर्टेंट हो जाता है. अभी 2021 में क्वेश्चन आ चुका है, यू नो, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट टाउन इज़ वेल नोन फॉर इट्स इलैबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग सीरीज ऑफ डैम्स एंड चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वॉयर्स. तो द आंसर इज धोलावीरा. आप इसके बारे में पढ़ेंगे अपनी एंशियंट हिस्ट्री की क्लासेस में. सो व्हाई आर वी डिस्कसिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं हम उन्हें किस तरह से अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बन के आ सकता है. तो उससे हमें आसानी होती है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं जी, व्हाई आर वी स्टडिंग अबाउट इट, राइट. ओके जी, मूविंग अहेड, आर नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑल्सो रिलेटेड टू हिस्ट्री. इट इज़ अबाउट the freedom fighter V.O. Chidambaram Pillai. V.O. Chidambaram Pillai is a news because Prime Minister has paid tributes to the freedom fighter, you know, V.O. Chidambaram Pillai on his birth anniversary. तो इसीलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा चिदंबरम पिल्लई के बारे में जानेंगे, his contribution in the freedom struggle of India. We'll throw a light on it. Now, his full name was Valinagiyam Olagathan Chidambaram Pillai. और हम इन्हें बोलेंगे, इस आर्टिकल में बहुत जगह पे VOC टर्म मैंने शॉर्ट में यूज़ कर ली है. VOC is Valinagiyam Olagathan Chidambaram Pillai. Okay, so he was born on 5th September and he was in into a lawyer family in Tamil Nadu. He graduated from Tuticorin. Tuticorin में जो Caldwell College है वहाँ से वो graduate होते हैं. He before beginning his law studies he worked for a period of time as a office clerk, Taluk's office clerk. And his tussle was with the judge which forced him to seek the pastures at Tuticorin in 1900. But then how did he enter into politics? See, Chidambaram Pillai, he entered into politics in 1905 after the partition of Bengal. Bengal ke partition ke baad Chidambaram Pillai politics mein enter hote hain. And by the end of 1905, he visited Madras and he was drawn very closer to Swadeshi movement. Swadeshi movement ke saath wo kaafi achche se judte hain. And he also was drawn towards the Ramakrishnan mission and he came in contact with Subramanya Bharti and the Mandayam family. Ye sab aap padhte ho, you read about, you know, Swadeshi movement in your modern history, you'll read about Ramakrishnan mission as well, important, again important. And it was not until the arrival of Chidambaram, you know, Pillai in Tuticorin that Swadeshi movement in the
तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट बिगैन। वहाँ पे पूरा उनके जाने के बाद जो तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट को पूरा फोर्स मिलता है। इफ यू लुक एट द हिज रोल प्लेड इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, तो 1905 में ही वन द सपोर्ट ऑफ मर्चेंट्स एट तूतीकोरिन एंड द तिरुनेलवेली, एंड ही हैड दिस आइडिया ऑफ एस्टैब्लिशिंग स्वदेशी मर्चेंट शिपिंग आउटफिट बाय द नेम ऑफ स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी। आप इसके बारे में पढ़ते हैं, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी। मर्चेंट्स के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मिलकर ये स्वदेशी मर्चेंट शिपिंग आउटफिट यहाँ पे बनाया गया। ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड अदर वेरियस इंस्टीट्यूशंस लाइक स्वदेशी प्रचार सभा, धर्म संघ, निसावु सेलाई, नेशनल गोडाउन, मद्रास एग्रो इंडस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड, दिसाभिमाना संगम। तो देयर वर सो मेनी इंस्टीट्यूशंस दैट ही एस्टैब्लिश्ड, बट दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी। ही ऑल्सो एडेड इन द एफर्ट्स बाय नंबर ऑफ अदर तिरुनेलवेली बेस्ड लॉयर्स। दे फॉर्म दिस स्वदेशी संगम, जिसे कहा जाता है नेशनल वॉलंटियर, तो इसमें भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था। ऑल्सो जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स आते हैं, स्पेशली आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ तूतीकोरिन कोरल मिल स्ट्राइक, इनमें भी चिदंबरम पिल्लई का बहुत बड़ा रोल था। इवन प्रायर टू गांधीजीज चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917, चिदंबरम पिल्लई टुक हिज ही रेज हिज वॉइस फॉर द वर्किंग क्लास इन तमिलनाडु। So we can say that over there in the region of Tamil Nadu, and so he was forerunner to Gandhi. Chidambaram Pillai along with other leaders, they resolved this mammoth procession 9th March 1908, in which they celebrated the release of Bipin Chandra Pal from jail and they hoisted the flag of Swaraj. मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स इज ऑल्सो द राइटिंग्स। बहुत बार सीधा राइटिंग से क्वेश्चन आ जाता है। ही हैज़ रिटन मैनी थिंग्स लाइक मेया राम, मेया रिवू एंथोलॉजी, थिरुकुराल विद सम लिटरेरी नोट्स ऑफ मंदाकुवार, थोल पक कापिकम इन विच ही हैड सम लिटरेरी नोट्स ऑफ इलम पुरानार, ऑटोबायोग्राफी। सो देयर सो मेनी थिंग्स दैट ही हैज़ रिटन। एक बार आप इनसे गो थ्रू हो जाइएगा ताकि अगर पेपर में क्वेश्चन आता है सो यू आर एबल टू आइडेंटिफाई इट। ही डाइड ऑन 18th November 1936 इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिस एट तूतीकोरिन, एट हिज दैट वॉज हिज लास्ट विश एक्चुअली। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं जो फ्रीडम फाइटर बेस्ड, पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। 2017 में क्वेश्चन आया था जिसमें आप देख सकते हैं द पर्सनैलिटीज आर गिवन, राधा कांता देव, गजुरू लक्ष्मी, नरूसू चेटी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, उन्होंने क्या क्या किया है, उनका मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है। तो इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। तो क्योंकि अब ओ चिदंबरम पिल्लई को श्रद्धांजलि दी गई है, दिस पर्सनैलिटी इज़ इन न्यूज़, तो एक बार आप इनके मेजर जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको भी याद रखेंगे। मूविंग अहेड, आर नेक्स्ट आर्टिकल इज़ फ्रॉम इकोनॉमी। It is about the status report on India's external debt 2021 and 2022. So, ये जो हमारा Department of Economic Affairs है under Ministry of Finance, यहाँ पर एक unit है which is External Debt Management Unit. इन्होंने status report on India's external debt release की है। This is the 28th edition of this report. And अब external debt report 2021 and 2022 की आ चुकी है। एंड एज पर दिस रिपोर्ट इंडियाज डेट एज ऑफ एंड ऑफ मार्च 2022 वॉज एट $620.7 billion। लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 2% ये इंक्रीज हो चुका है। ये जो 2% इंक्रीज हुआ है दिस इज डोमिनेटेड इन यूएस डॉलर। जो इंडियन रुपी डेट है, इंडियन रुपी के टर्म्स में दिस इज अराउंड 31.2% ऑफ द डेट एंड दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट। हम यहाँ पे अगर हमारी एक्सटर्नल डेट रेशियो देखें विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी, ये भी डिक्रीज हुई है। अब ये 19.9% पे आ चुके हैं, लास्ट ईयर इट वॉज 21.2%। देखो ये स्टेटमेंट्स बन के आ जाते हैं,
कि एक्सटर्नल डेट एज द रेशियो टू जीडीपी इट हैज़ इंक्रीज्ड, नो इट हैज़ फेल मार्जिनली, पहले 21 था अब 19% पे आ चुका है। ऑल्सो अगर हम फॉरेन करेंसी रिजर्व्स की बात करें एज अ रेशियो टू द एक्सटर्नल डेट, ये भी लोअर डाउन हुआ है, इससे पहले 100% था अब हमारा 97% के आसपास जा चुका है। तो बेसिकली एज वी सी यहाँ पे डेट एस्टिमेट्स को शो किया गया है। ऑल्सो इफ वी टॉक अबाउट कमर्शियल बोरोइंग्स, NRI डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, मल्टीलेटरल लोन्स, इन सबको मिलाकर ही 90% हमारा एक्सटर्नल डेट यहीं से आ जाता है, कमर्शियल बोरोइंग, NRI डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, ऑल दैट। एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मार्च 2022 हमारा जो सॉवरेन एक्सटर्नल डेट है इट हैज़ बीन अराउंड 130.7 बिलियन US डॉलर्स। एंड अगर हम देखें तो इट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 17.1%। ऑल्सो हमारे पास जो SDR है, क्योंकि जो एडिशनल एलोकेशन हमने SDR की हुई है बाय IMF, ये उस इंक्रीज़ को भी शो कर रहा है, बिकॉज हमारे SDRs भी इंक्रीज़ हुए हैं टू 22.9 बिलियन US डॉलर्स, इससे पहले लास्ट ईयर 5.5 बिलियन डॉलर्स थे। एंड ऑल्सो जो FPIs हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होल्ड कर रहे हैं, उनके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा अगैन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इट हैज़ स्लिड डाउन टू 19.5 बिलियन डॉलर्स। तो आपने मेनली यहाँ पे एक तो ये चीज़ याद रखनी है कि येस हमारा जो एक्सटर्नल डेट है वो इंक्रीज़ हुआ है, 2% इंक्रीज़ हो चुका है, एक्सटर्नल डेट एज टू द रेशियो टू GDP जो है वो डिक्रीज़ हुई है, हमारी जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है ये भी डिक्रीज़ हुआ है। दिस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेकअवेज दैट वी नीड टू यू नो गो विद। अलॉन्ग विद इट अगर हम क्रॉस कंट्री परस्पेक्टिव में देखें तो हमारा जो एक्सटर्नल डेट है वो मॉडेस्ट है, मतलब अगर हम ग्लोबली देखें तो इंडिया डेट की पोजीशन में 23rd नंबर पे आता है, 23rd नंबर पे हमने डेट ले रखा है। एंड इसमें अगर हम डेट वल्नरेबिलिटी इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिया की सस्टेनेबिलिटी अच्छी है, बेहतर है एज कम्पेयर टू द अदर लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, बिकॉज एज आई वाज सेइंग देखें इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, 2019 में क्वेश्चन आया है दैट मोस्ट ऑफ द एक्सटर्नल डेट इज़ ओन्ड बाय गवर्नमेंटल एंटिटीज और ऑल ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज़ डोमिनेटेड इन US डॉलर्स, राइट। तो यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, तो ऐसा नहीं है, इट इज़ नीदर वन नॉर टू, ये 2019 की डाटा के हिसाब से है। सो डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है इस रिपोर्ट से, फ्यूचर में भी आ सकता है। ओके, मूविंग अहेड नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट स्कीम, इट इज़ PM श्री योजना। सो ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल टीचर्स डे प्राइम मिनिस्टर अनाउंसेस न्यू इनिशिएटिव विच इज़ PM श्री स्कूल्स, विच इज़ श्री इज़ फॉर PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। पहले तो फुल फॉर्म क्या है ये, PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। तो इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसमें इंडिया में जो स्कूल्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, उनको डेवलप किया जाएगा, एंड मोर देन 14,500 स्कूल्स वुड बी अपडेटेड। एग्जिस्टिंग स्कूल्स इनको सेलेक्ट किया जाएगा, दे विल बी कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसके तहत स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा। इन स्कूल्स में हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबको यहाँ पे शोकेस किया जाएगा, और ये एक तरह से एग्जाम्पलर स्कूल्स बनाए जाएंगे जिससे कि हम इफेक्ट्स देख पाएंगे किस तरह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट की जा रही है और क्या इसके इम्पैक्ट्स हैं। एंड इट विल ऑफर मेंटरशिप टू अदर स्कूल्स इन द विसिनिटी। इन स्कूल्स में क्वालिटेटिव टीचिंग के साथ साथ लर्निंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इन सब के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। एक होलिस्टिक और एक वेल राउंडेड इक्विप्ड 21st सेंचुरी की जो स्किल्स चाहिए वो स्कूल्स में प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ पर जो पेडागॉजी अडॉप्ट की जाएगी इट विल बी मोर एक्सपेरिमेंटल, इट विल बी मोर होलिस्टिक, इंटेग्रेटेड, प्ले टॉय बेस्ड, इंक्वायरी ड्रिवन, डिस्कवरी ओरिएंटेड, यू नो चीज़ों के बेस पे यहाँ पर डिस्कशंस होंगी, एक फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट होगा, लर्नर सेंटर्ड स्कूल्स को बनाया जाएगा।
And the focus over here is achieving the proficiency in learning outcomes. हर एक ग्रेड में जो बच्चा है उनके लर्निंग आउटकम्स को हमें यहाँ पे इम्प्रूव करना है. और यहाँ पे जो असेसमेंट्स की जाएंगी इट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज टू द रियल लाइफ सिचुएशन. जो पढ़ा है उसे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी है और आप उसे रियल लाइफ में किस तरह अप्लाई कर रहे हैं, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड यहाँ पे असेसमेंट होगी. यहाँ पे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ किया जाएगा, मॉडर्न लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, लाइब्रेरीज, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, आर्ट रूम्स, ये सब यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे. एंड ऑल्सो दिस स्कूल्स विल बी ग्रीन स्कूल्स, वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट रिसाइकलिंग, एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल, ये सब यहाँ पे फॉलो किया जाएगा. सो वी कैन सी दैट कि दिस विल बी अ लीडरशिप इन द रिस्पेक्टिव रीजन. जो ये स्कूल्स होंगे जहाँ पे हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, विच विल मेक द स्कूल एनवायरमेंट मोर इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड जॉयफुल. सो दिस इज पीएम श्री योजना. अब देखो क्वेश्चंस आ जाते हैं डायरेक्टली, क्वेश्चंस पहले भी आए, जैसे देखो कि विद्यांजलि योजना के ऊपर क्वेश्चन आया था. इट इज़ मोर सो लाइक यू नो एजुकेशन रिलेटेड ही स्कीम थी, 2017 में न्यूज़ में आई थी. तब इसका आंसर था टू इंक्रीज दी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइडेड इन गवर्नमेंट स्कूल्स बाय टेकिंग स्टेप फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर एंड कम्युनिटी. अगर विद्यांजलि योजना के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है तो पीएम श्री के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. तो क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस तरह ये होगा, इसका एक बेसिक आइडिया हमें यहाँ पे होना चाहिए. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू.